अब आज फोटो एडिटिंग एक पैशन सा बन गया है लोगों में कि अपनी नॉर्मल फोटोज को अच्छा बना लेते हैं फिल्टर्स के थ्रू। और जब से AI आया है तब से तुम बताने की भी जरूरत नहीं है कि इतनी एनहांस्ड क्वालिटी लोग फोटोज से बनाने लगे हैं और इतनी अच्छी एडिटिंग करने लगे हैं। और लास्ट एक वीडियो हमने किया था जहां पर आपको बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर बताए थे, पर एक कमी रह गई थी कि उसमें सारी चीजें मैनुअली करनी पड़ रही थी। और इसीलिए आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको AI के भी फीचर्स मिल जाते हैं और साथ में आपको मैनुअली चीजें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी फोटो ऐड करो और एक एडिटेड फोटो आपके सामने होगी। तो आज देखते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर का नाम है हिप्पो फोटोपी। वैसे अगर आपको नॉलेज के लिए बताऊं तो हिप्पो सिर्फ फोटो एडिटिंग ही नहीं करवाता बल्कि इनके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स भी हैं और ऑडियो एडिटिंग भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि AI इनेबल्ड है। तो आपको AI के भी जलवे मिलेंगे उसमें। सॉफ्टवेयर ओपन करते ही कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिल जाता है जहां पर देखो पहले तो मांग रहा है कि भाई अपनी फाइल चूज कर लो और साइड में आपको मिल रहा है AI एनहांसर, AI जनरेटर, मैजिक अपस्केलर, AI पोर्ट्रेट, BG रिमूवर, ये क्या है, बैकग्राउंड रिमूवर, ओके, रिटच, ID फोटो, ओके। तो एक एक करके इन्हें एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं हम लोगों के। सबसे पहले है AI एनहांसर, फोटो चूज करूंगा, ओके, ये हो गई मेरी फोटो यहाँ पर सिलेक्ट। अब साइड में दिया हुआ फेस मॉडल, जनरल मॉडल, डिनॉइस, कलराइज, लो लाइट, ये सब इसके फीचर्स हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आ जाओ भाई जैसे मुझे चाहिए डिनॉइस, तो इसको करूंगा और यहाँ से प्रीव्यू देखने लग जाऊंगा। बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा आपका जो है प्रीव्यू रेडी करके देने में। तो ये देख रहे हो आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी नॉइस ज्यादा थी, यहाँ इन्होंने थोड़ी सी उसको कम किया है यानी डिनॉइस किया है, जिसकी वजह से फोटो थोड़ी अभी के लिए अजीब लग रही है, बट जब आप इसे एक्सपोर्ट करोगे तो एक्चुअल क्वालिटी आपको दिखाई देगी वहां पर। और क्योंकि देखो मैं जैसे इसे जूम कर रहा हूं तो देखो मेरे फेस की स्किन जो मेरा पहले वाला फोटो था उसमें थोड़ी अजीब लग रही है, बट यहाँ पर काफी स्मूथ स्किन कर दी इन लोगों ने। इसी तरीके से एक बार फेस मॉडल ट्राई करते हैं। सो AI का जो फेस मॉडल है इन्होंने ये भी कर दिया है, वही प्रीव्यू देखते हैं जूम करके। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा ना नेचुरल लुक आ रहा है, बट यहाँ भले आर्टिफिशियल है, AI का यूज किया गया है, लेकिन फिर भी ये लुक बुरा नहीं लग रहा, काफी अच्छा लग रहा है ये भी। और बेसिकली इसमें सिर्फ फेस पर काम किया गया है मेरे। तो इस तरीके से आप AI के थ्रू अपना फेस चेंज कर सकते हो। और एक चीज बताऊं आप लोगों को कि जितना इसमें इन्होंने फेस को ग्लो किया, थोड़ा सा बालों पर भी काम किया है, थोड़ा मेरा जो चश्मा है वो भी अच्छा लग रहा है पहले से, इतना ही काम अगर हम फोटोशॉप में करने जाएंगे तो ये जितने सारे टूल्स है ना ये दिमाग खराब कर देंगे। और आपको कब किस टूल को कैसे इस्तेमाल करना है ये सबसे बड़ा टास्क होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो एक्चुअल में मैटर करता है आप किस टूल का किस टाइम पर इस्तेमाल करते हो। वही एक चीज है जो आपकी एडिटिंग को, फोटो एडिटिंग को बहुत ही अच्छा बनाती है। तो ये चीज यहाँ पर एक क्लिक में हो रही है। इसके अलावा है लो लाइट मॉडल। बेसिकली यहाँ पर जो है आप जो फोटो आपका लो लाइट में लिया गया है उसको आप थोड़ा सा इनहांस करके इक्वल लाइट में लेकर आ सकते हो। एंड फिर आता है स्क्रैच रिपेयर। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कि इस सॉफ्टवेयर में अगर आपके घर में कोई पुरानी फोटोज वगैरह है ना जो कि खराब हो गई ऊपर से या थोड़ी सी इमेज उसमें क्लियर नहीं आ रही है, तो आप उस फोटो को इस सॉफ्टवेयर में ला करके यहाँ देख रहे हो स्क्रैच रिपेयर करके इसका एक फीचर है, जिसके अंदर अगर आपकी फोटो में किसी भी तरह का कोई स्क्रैच आ गया होगा, फोटो धुंधली हो गई या फिर दिखाई नहीं दे रही, तो उसको भी क्लियर कर सकते हो और एक क्लियर फेस आपके सामने होगा। सो स्पेशली उन लोगों को ये सॉफ्टवेयर तो जरूर रिकमेंड करूंगा कि जिनके पास ऐसी फोटोज हैं जो घर में बहुत पुरानी फैमिली मेंबर्स की है बट अब वो इस लायक नहीं है कि उनको सही से देखा जा सके और स्क्रैच वगैरह है, तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हो उन फोटोज को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया AI एनहांसर। फिर है हमारा AI, और इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं AI के जो कि आप जैसे जैसे यूज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस फीचर का क्या काम है। फिर है हमारे पास में AI जनरेटर। इसमें बेसिकली हम AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये देखो यहाँ पर आपको कुछ पहले से ही इन्होंने प्रीसेट्स दे रखे हैं, भाई स्केच है, VFX है, स्टाइल विंटेज, एनिमी कैरेक्टर, ऑयल पेंट। तो अगर आप चाहो तो सिंपल है, यहाँ से फोटो अपलोड करो और इनमें से जो कोई सा भी आप फोटो को जैसा बनाना चाहते हो लाइक स्केच बनाना है तो वो बस सिलेक्ट कर लो और यहाँ से जनरेट कर दो, तो उस फोटो को काफी हद तक मतलब AI की हेल्प से लेके काफी हद तक क्या 100% ही स्केच फोटो बना देगा। और दूसरी चीज क्या है कि मान के चलो भाई मेरे पास फोटो नहीं है और मुझे कोई इमेज जनरेट करनी है अपने लिए, तो मैं यहाँ पर आकर सिंपली बस अपना जो है प्रॉम्प्ट डाल दूंगा, जैसे कि YouTube स्टूडियो रूम विद लाइट्स, इसको जनरेट करेंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ से मैंने इनका आर्ट स्टाइल चूज किया था, स्केच और प्रॉम्प्ट डाला था भाई YouTube स्टूडियो रूम विद लाइट्स, तो यहाँ पर इन्होंने एक स्केच पेंटिंग जनरेट कर दी है मेरे लिए जिसके अंदर YouTube स्टूडियो का रूम भी है प्लस यहाँ पर लाइट्स भी लगी हुई है फ्लोर पर, और यहाँ देखो लैंप वगैरह है, फ्लोर लाइट्स है और सनलाइट भी पड़ रही है, तो ये तो काफी अच्छा है। अगर आप लोग बेसिकली अपने थंबनेल्स वगैरह के लिए भी कुछ AI इमेजेस जनरेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से
बहुत आराम से कर सकते हो। और स्पेशली आज के टाइम में तो ना यूट्यूब पर जितने भी लोग थंबनेल वगैरह बना रहे हैं वो लोग एआई का तो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब स्केलर जो कि एक नया फीचर है जिसका काम है कि आपकी जो फोटो होगी जो कि एक्चुअल में ब्लर हो उसको अप स्केल करके काफी अच्छा कर देगा। और इसी के साथ में है वही एआई पोर्ट्रेट। बेसिकली इसमें आपको टोटल 3 फोटोज अपलोड करनी होंगी जिसके बाद में आप जैसी इमेज चाहते हो, लाइक ये इनके कुछ स्टाइल्स हैं जो कि इनकी अपने आर्ट स्टाइल हैं और ये टाइम टू टाइम इसको और नए नए स्टाइल्स भी ऐड करते रहेंगे, तो इनमें से जिस स्टाइल में आप अभी के लिए फोटोज चाहते हो अपने टोटल 3 फोटोज अपलोड करो और ये एआई के थ्रू इसी आर्ट स्टाइल में आपके उस फोटो को जनरेट करके दे देगा। फिर है उसके बाद में भाई बैकग्राउंड रिमूवर। काफी सारे लोग ग्रीन स्क्रीन के थ्रू भी बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं और काफी सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कलरफुल बैकग्राउंड होता है बट वो रिमूव नहीं कर पाते। तो मैंने देखा है जो अपना पिक्सलर ऐप आता है फोन्स में उसको लोग यूज करेंगे भाई बैकग्राउंड मैनुअली रिमूव करने के लिए। और ऐसे ही पीसी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो बैकग्राउंड रिमूव करते हैं बट एक एक्यूरेसी में काफी कमी देखने को मिलती है, जो कि अगर मैं आपको ये सॉफ्टवेयर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी एक्यूरेसी के साथ में बैकग्राउंड को रिमूव किया गया है। यहां तक कि देखो जो मेरे बालों की शेप है उसको भी बिल्कुल खराब नहीं किया गया और अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव हुआ है यहां पर। तो बस एक ही क्लिक में यहां काम हो रहा है, गिनती के 2-3 क्लिक्स हैं बस और आपका काम घर के दे रहा है। ऐसे रिटच है वही, यहां पर क्या है कोई आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो वो यहां से कर सकते हो। एग्जांपल दिया हुआ है स्क्रीन पे, लेफ्ट में आपको पेड़ दिखाई दे रहा है यहां पर नहीं है तो इस तरीके से रिमूव हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरी फोटो है और इसमें इस साइड एक लैंप है, ठीक है, तो मुझे इस लैंप को रिमूव करना है तो सिंपल इसे सिलेक्ट करूंगा और प्रीव्यू पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखो लैंप बिल्कुल ही गायब हो गया, लाइट का कोई नामो निशान ही नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ लाइट कभी थी ही नहीं। एक बार इसको जरा बिफोर आफ्टर करते हैं। हाँ ये रहा, ये देखो पुराना फोटो कुछ इस तरीके का था जहाँ पे एक लैंप था लेकिन अब यहाँ लैंप नहीं है। तो एआई के थ्रू ऐसे आप बहुत सारी चीजें गायब कर सकते हो। सो इसी तरीके से है रीटच का भी फीचर भाई। और फिर लास्ट है आईडी फोटो। बेसिकली पासपोर्ट साइज फोटोज आप बना सकते हो, अगर बैकग्राउंड में कुछ कलरफुल चीज है तो आप इसके थ्रू उसको पहले बैकग्राउंड रिमूव करो एंड उसके बाद में फिर आप व्हाइट रेड जो कोई कलर आप चाहते हो अपने बैकग्राउंड में लगाना वो यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी नजर में तो भाई बिगिनर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। अगर वो लोग चाहते हैं भाई अभी फोटो एडिटिंग नहीं आती है करना और एडवांस सॉफ्टवेयर फोटोशॉप जैसे पर स्विच नहीं कर सकते तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करो। और जब आप लोग एक एडवांस फोटो एडिटिंग सीख जाओ उसके बाद में आप फोटोशॉप या किसी और बड़े सॉफ्टवेयर की तरफ स्विच करना। तब तक के लिए हिप ऑफ फोटो भी से आप फोटोज एडिट कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया जहां भी चाहो अपलोड कर सकते हो। और आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये कोई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है, पेड सॉफ्टवेयर है। एनुअल मेंबरशिप $90 की है जो कि आप एक बार में बाय करके पूरे साल यूज कर सकते हो और लाइफ टाइम मेंबरशिप है $130 की। तो अगर आप लोगों को ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो लिंक इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर बाय कर सकते हो। बाकी चलो यही था कुछ आज का वीडियो भाई, मुझे तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ट लगा फॉर बिगिनर्स तो आपको मैंने बता दिया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आपको कौन कौन से वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स पसंद है ताकि हम जल्दी ही उन पर भी वीडियोस बना सकें। बाकी चलिए यही था कुछ आज का वीडियो फोटो एडिटिंग से रिलेटेड। और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहना, मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा।